इंडियन आइडल के ऊपर में बनाए हुए पुराने वीडियोस में जाकर के सभी लोग सिर्फ यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू गलत साबित हो गया है, भाई तू जाकर के एक बार चेक कर, तू फिर से ना गलत हो चुका है। एक बार क्या मैंने पवनदीप रंजन का नाम गलत ले लिया, बस सभी लोग राशन पानी के साथ चढ़ गए, एकदम चढ़ गए। तो चलो आज उसी मुद्दे के ऊपर में बात कर लेते हैं। जब से ये एलिमिनेट हुआ ना भाई, तब से तुम लोग आकर के मुझे दनादन 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 मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हो, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। तो चलो यार फाइनली मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं सवाई भट्ट के बारे में। अब सवाई भट्ट के बारे में सिर्फ मैंने इतना ही कहा था कि जिस तरह से वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह से इंडियन आइडल उसको प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत ही गलत तरीका है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई देखा जाए तो आधा सच आधा झूठ है। आधा सच इस तरह से है कि हाँ भाई उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, उन्होंने वो वाली लाइफ देखी है, लेकिन फिलहाल जो इंडियन आइडल में उनको प्रेजेंट किया गया है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, कभी ऐसा होटल, कभी ऐसा पर्दा, कभी ऐसा खाना, कभी ऐसा बाथटब नहीं देखा है, तो भाई देखा जाए तो ये स्टोरी बहुत बड़ी फेक स्टोरी थी। तो इस वीडियो में मैं इंडियन आइडल से ज्यादा सवाई भट्ट के बारे में बोलूंगा कि एग्जैक्टली उनको एलिमिनेट क्यों किया गया होगा, वो किस तरह से एलिमिनेट हो गए। देखो इस बारे में मेरी समझ इतना ही कहती है कि अगर वहां पे जजेस अगर चेंज नहीं होते और विशाल दादलानी ही अगर वहां पे जज होते तो ट्रस्ट मी ये बंदा एलिमिनेट नहीं हो रहा होता, किसी भी एंगल से एलिमिनेट नहीं हो रहा होता है। हाँ सच कह रहा हूँ। और देखो वीडियो में अगर इंतजार कर रहे हो कि मैं किस तरह से हिमेश रेशमिया की बात यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ, एंड तक बने रहो, बताऊंगा उस पॉइंट तक मैं पहुंचूंगा। तो सबसे पहली बात, विशाल दादलानी सबसे ज्यादा सपोर्ट सवाई भट्ट को ही कर रहे थे और विशाल दादलानी इस स्टोरी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट कर रहे थे। और इंडियन आइडल की अगर बात की जाए तो भाई वो लोगों को बढ़ा चढ़ा के ही दिखाते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये केबीसी में भी वही चलता है, मतलब फेक स्टोरी चिपकाओ और ऑडियंस का दिल जीतने की कोशिश करो, टीआरपी दनादन आएगा और पैसा दनादन छापेंगे और एंड ऑफ द शो क्या करेंगे, एक चिट उठाएंगे और उसमें बोल देंगे कि भाई ये नाम आया है इसी को घोषित कर दो विनर। हाँ, क्योंकि टैलेंट के नाम पे तो नहीं करना चाहते ये। अब बोलोगे कि मैं बदल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। लास्ट वीडियो जाके फिर से देखो कि उस वीडियो में मैंने क्या कहा है कि उसकी बैक स्टोरी सवाई भट्ट की जो स्टोरी है वो स्टोरी झूठी है लेकिन टैलेंट अच्छा है। वो देखा जाए तो सनी हिंदुस्तानी के नक्शो कदम पे चल रहा है और लोग जो है उसी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं और उनका गाने का स्टाइल भी कुछ कुछ वैसा ही है। यानी जो भी इंडियन आइडल में आता है बस मुंह उठा करके सीधा नुसरत साहब का कोई गाना गा दो और उसको अच्छे से अच्छा गाने की कोशिश कर लो और उसके ऐसे जजेस तो है ही लाल करने के लिए। देखो सच बता रहा हूँ, जजेस के नाम पे ये लोग उतने ही है जितने की टीआरपी की कीमत है। मतलब इतना हाइप बनाओ कि लोग पागल हो जाए और शो जब एंड तक पहुंचे तो उस वक्त तुम उस बंदे को सीधा आउट कर दो ये बोल करके कि भाई वोट बहुत कम मिले। अरे यार सबूत मेरे इकलौते वीडियो पे जाकर के देख लो कितने लोगों ने सवाई भट्ट को और पवनदीप राजन को जाकर के सपोर्ट किया है और उसके ऊपर में जो भी मैंने थोड़ा भी अपना ओवरव्यू दिया उस पे कितने ज्यादा लोग भड़क गए हैं। मतलब समझ रहे हो, यही है इंडिया की जनता। इंडिया की जनता टैलेंट नहीं बैक स्टोरी के नाम पे पिघल जाते हैं। अब चलो बात करता हूं पवनदीप राजन के बारे में कि भाई उनको उठा करके हिमेश रेशमिया ने गाना क्यों बनाया है। देखो हिमेश रेशमिया वही स्टार है जो भाई ऑन स्क्रीन जाकर के फुस हो जाते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन में एक नंबर एक्टिंग करते हैं। यानी जिस तरह से वो एज अ जज अपना परफॉर्मेंस देते हैं ना बॉस, वैसा परफॉर्मेंस अगर उन्होंने अपनी फिल्मों में दिया होता तो शायद आज शाहरुख खान की जगह छीन चुके होते। लेकिन जो भी है जैसा भी है जाने दो, हिमेश रेशमिया वो यूट्यूबर है जो भाई ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाता और सीधा छाप के निकल जाता है। समझ रहे बात को, नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक टाइम पे रानू मंडल आई थी और आ करके निकल गई थी और उसके बाद से जो है अभी पवनदीप राजन और सवाई भट्ट ये सब ट्रेंडिंग पे है तो भाई इनके साथ में भी ये गाना छापेंगे। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि इंडियन आइडल में जो भी लोग ट्रेंडिंग रहेंगे और जिन लोगों को भी पब्लिक ज्यादा प्यार देगी बस उनके साथ में वो गाना फिक्स बना के ही छोड़ेंगे। और उन्होंने ऑन स्क्रीन प्रॉमिस भी किया, सबसे पहला प्रॉमिस निहाल के साथ में किया था, उसके बाद से पवनदीप राजन के साथ में, फिर सवाई भट्ट के साथ में भी शायद कर लिया होगा। मैंने इसलिए कहा है कि भाई मैंने एक टाइम के बाद इंडियन आइडल देखना ही छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीने के एपिसोड के बारे में अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे घंटा नहीं पता है कि क्या हुआ है, क्योंकि हर दिन जो न्यूज है ना ट्विटर पे मिल जा रहे थे कि आज इसने ये किया आज उसने वो किया। भाई मतलब डेली सोप बना के रख दिया इंडियन आइडल को और यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ इमोशन के साथ में गेम खेलते रहे और ऑडियंस का बहुत लंबा वाला काटा है और ऐसा काटा है ना बॉस ये आम पब्लिक नहीं समझ पाएगी, ये जो है ना सिर्फ हम और आप जैसे लोग समझ पाएंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के अपने विचार व्यक्त करो। और बात करता हूँ सीधा गाना तेरे बगैर के बारे में। इससे पहले जो इन्होंने गाना लाया 13 से रूट 2021 वो गाना देखो यार मैंने अपने ओपिनियन दिया और लोगों ने भर भर करके अपना प्यार भी बरसाया कमेंट सेक्शन पे। लेकिन ट्रस्ट मी ये वाला गाना जो है ना इसको कहते हैं कि HR का कमबैक हुआ है। इस गाने में जो म्यूजिक है ना वो याद दिलाता है कि हाँ भाई हिमेश रेशमिया वो है जो भाई एक टाइम पे हमें 13 सुरूर आपका सुरूर मूवी एल्बम सभी चीजों से रॉक कर दिया था और लगभग हर फिल्मों के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हिमेश रेशमिया के गाए हुए गाने या फिर उनके म्यूजिक ही काम आते थे। मेरी मानो तो तेरे बगैर जो गाना है वो एक मास्टरपीस गाना लगा और ऐसा लगा कि हाँ अब जाकर के HR ने कमबैक किया है। 13 सुरूर नॉट सो गुड लेकिन तेरे बगैर इट्स ऑसम मैन। और इसके अंदर में पवनदीप राजन का आवाज मुझे लग ही नहीं रहा कि ये उसकी आवाज है क्योंकि ये आवाज इतनी मैनली लग रही है ना बॉस। इस गाने में जिसको फीचर किया गया है ना
उस पर जरा भी सूट नहीं कर रहा। बस ये सोच रहा था मैं कि काश इसमें हिमेश रेशमिया और पवनदीप ही आ जाए तो भाई गाना काफी हो जाएगा। वैसे भी इस गाने को बहुत ही बजट फ्रेंडली रखा गया है और आप अगर इस गाने को देखे बिना सुनोगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने देखा जाए तो बस यूट्यूब में वीडियो ऑन करके छोड़ दिया, उसके वजह से देखने का काम नहीं था, बस कान खुला रखना था और उसके वजह से सारे आनंद अपने आप आ गए। तो भाई आपको ये गाना कैसा लगा वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे जाकर के। दैट वाज माय ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर दिस सॉन्ग। और वो सवाई भट्ट के बारे में जो आप लोग इतना कह रहे थे, आपका क्या रिएक्शन है वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। एग्री हो या नहीं वो भी जरूर बताना। लाइक और डिसलाइक का बटन यार खुलेआम यूज करो, समझ में आया यार आप किस तरह से प्यार बरसा रहे हो या किस तरह से नफरत बरसा रहे हो वो भी समझ में आना तो चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।